हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ कि आप कैसे वोटर आईडी कार्ड को घर बैठे बना सकते हैं बिना कहीं जाए। दोस्तों, वोटर आईडी कार्ड को बनाने के लिए या तो राज्य सरकार समय समय पर कैंप लगाती है या बूथ कैंप लगाती है, जहाँ पे आप जाके बना सकते हैं। उसमें बहुत परेशानी होती है, फॉर्म भरना पड़ता है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ता है और ये पता नहीं कब पार हो जाता है, हमें टाइम पता भी नहीं चलता। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना BLO के पास, ना किसी बूथ में, ना किसी कैंप में, ना किसी आपको डेट का इंतजार करना पड़ेगा। ये आप 24x7 दिन रात कभी भी आप घर बैठे अपने लैपटॉप से, अपने सिस्टम से, या अपने एंड्रॉयड मोबाइल से, या भी स्मार्टफोन किसी भी फ़ोन से आप आसानी से क्रेडिट कार्ड को बना सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। तो कैसे बनाते हैं, हमारी वीडियो को पूरा देखिए, मैंने इस वीडियो में बताया है स्टेप बाय स्टेप। और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को जरूर दबा दीजिएगा और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस प्रोसेस को सीख सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारे कोई भी नए वीडियो अगर अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरा नाम है जीशान और स्वागत करता हूँ आपका डिजी क्लास चैनल में। आपको फ़ोन पे या फिर अपना लैपटॉप में सिस्टम में जहाँ भी हो, ये ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद टाइप करना है आपको NVSP। उसके बाद आपको जो सबसे पहला लिंक आएगा वो NVSP का आएगा, ये देख रहे हैं आप, NVSP.in। ये आपको साइट ओपन कर लेना है। चलिए ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा, ये देख रहे हैं, नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल। ये आप फ़ोन में या भी सिस्टम में कहीं भी खोल सकते हैं और आसानी से अपना वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं। और देख रहे हैं आप, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है। ये देख रहे हैं, जो यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं न्यू वोटर्स के लिए, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ओवरसीज वोटर के लिए, डिलीट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो हम आज आपको बताएंगे कैसे ऑनलाइन हम घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं वोटर आईडी कार्ड के लिए। तो चलिए हम अपना शुरू करते हैं। ये देख रहे हैं, लिंक यहाँ पर दिखा रहे हैं, क्लिक है। चलिए हम शुरू करते हैं। क्लिक किए और इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखिए, जो ऑटोमेटिक है ये आपका हिंदी में रहेगा, इसे आप अगर चाहें तो दूसरे भाषा में बदल सकते हैं। कहाँ से बदलते हैं, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, ड्रॉप डाउन यहाँ पर आना है। देखिए इंग्लिश है, मलयालम है, चलिए हम दिखाते हैं। इंग्लिश पर क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक जो है आपका पूरा वेबसाइट इंग्लिश में आ जाएगा। आपको जिसमें अच्छा लगे उसमें कीजिए, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम। चलिए आपको हिंदी में बताते हैं ताकि आसानी हो समझने में। चलिए हिंदी सेलेक्ट की, अब पूरा मेरा हिंदी में आ गया। ऐसे बाय डिफॉल्ट हिंदी में रहेगा। यहाँ पर जो जो है आप लाइन बाई लाइन पढ़ लीजिएगा और फिलअप कीजिएगा। चलिए हम यहाँ पर भरते हैं, जो मेरा स्टेट है, जो आपका स्टेट अपना चूज कर लीजिएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका चूज कर लीजिएगा, और उसके बाद आपको जो क्षेत्र विधानसभा का वो चूज कर लीजिएगा। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा जो भी है, उसके बाद आगे फॉलो करते जाइए मेरे स्टेप को, कि आप पहली बार मतदाता हैं या फिर अन्य क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आना चाहते हैं। तो मेरा क्या है, पहली बार हम इसे बनाना चाहते हैं। उसके बाद जो नीचे दिया गया इन्फॉर्मेशन उसको भरिए, ये नाम है, यहाँ पे डालना है इंग्लिश में, यहाँ पर हिंदी में। दोस्तों बता दो आपको कि यहाँ पर जो इंग्लिश में है वो आपको टाइप करना है, और जो हिंदी जो बगल में है राइट साइड में उसे आपको टाइप नहीं करना है, सिर्फ माउस को ले जाकर वहाँ पर क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक वो हिंदी नाम अपने ऑटोमेटिक वो ले लेगा। आपको टाइप नहीं करना है हिंदी में, सिर्फ टाइप करना है इंग्लिश में। जो भी आपको उपनाम भर लीजिए, और जो आवेदक का जो नातेदार है वो आप भर लीजिए, जो भी है। और उसके बाद उसको उपनाम यदि है तो भर लीजिए। और यहाँ पर दिखा रहा है जो रिलेशन का जो टाइप है वो क्या है, किस टाइप का है, वो अपना डाल दीजिए। और उसके बाद तो यहाँ पर देख रहे हैं आगे कि यहाँ पर जो है आयु जो है आप डाल सकते हैं, कि 1 जनवरी को कितना हुआ। अगर वो चीज़ नहीं डाल सकते हैं, सबसे बेहतर है जो आपको डेट ऑफ बर्थ है वो डालिए, सबसे अच्छा। चलिए हम डालते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ, जो आपका होगा वो डाल लीजिएगा। अपना सेक्स डालिए जो भी आपका है लिंक, और उसके बाद आपको जो पता है वर्तमान पता टेम्प्रोरी वो आपको डालिए अपने यहाँ पर।
उसके बाद देख रहे हैं आगे, यहाँ पर अस्थाई पता, अगर आपका अस्थाई पता डालना है तो कुछ अलग ही डाल दीजिए, वरना सेम है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, आपका पूरा पता आ जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं आप, इपिक नंबर डालना है आपका फैमिली का या फिर कोई पड़ोसी का, ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं, चलिए हम छोड़ देते हैं। और यहाँ पर अब अगर आप डिसेबिलिटी हैं तो आप डाल सकते हैं, और यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी है और फ़ोन नंबर है, ये भी ऑप्शनल है, अगर चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। चलिए हम डाल देते हैं, बेहतर का कम्युनिकेशन के लिए, कि हमको कोई मेल आएगा या फिर फ़ोन में आएगा कोई दिक्कत हो तो हम फ़ोन करेगा हम। ऐसे डालने के बाद आगे बढ़िए। और दोस्तों सबसे बता दूँ, सबसे मेन चीज़ है यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो सबसे मेन चीज़ है। इसे आप अगर देखेंगे, आप दिखा रहे हैं जेपीईजी, पीएनजी, बीएमपी और जेपीईजी फॉर्मेट में ही लेगा, याद रखना है आपको। और जो ये दोस्तों ये 100 KB के अंदर होना चाहिए, फोटो डालिए, अपना जो एज डिक्लेरेशन है वो डालिए, जो आपका आयु प्रमाण पत्र है वो डालना है, और जो उसके बाद है आपको जो एड्रेस प्रूफ है वो डालना है, आप यहाँ से डालना है, देखिए दिखा रहे हैं आपको, जो एज प्रूफ है उसको, उसके लिए आप क्या डाल सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है 10th का, 8th का, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो भी आपको हो वो डाल दीजिए। देखिए यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के लिए क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बैंक का पासबुक है, आपका राशन कार्ड है, इनकम टैक्स के लिए है, वाटर बिल, और टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ जो आप अच्छा लगे डालें। चलिए हम शुरू करते हैं, और यहाँ पर फटाफट हम आपको डाल के दिखाते हैं, जो भी हो आपका अपना फटाफट डाल लीजिए। चलिए मैं यहाँ से डाल लिया, और उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, जो भी हो फिलअप आप अपना आसानी से कर लीजिए, आगे बढ़िए। और देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या डिक्लेरेशन है, मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे अनुसार जो जो भरा गया सब कुछ सही है, और मैं भारत का नागरिक हूँ, और जो मेरा जन्म है वो कहाँ हुआ है वो डाल दीजिए आप, जहाँ भी आपको जन्म है, अपना गांव, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट जो भी है अपना चूज कर लीजिए। और देखिए दोस्तों यहाँ पर जो तारीख है वो डालना है आपको, जिस दिन आप भर रहे हैं वो तारीख डाल दीजिए। तारीख डालने के बाद आप अच्छा से सब सब पढ़ लीजिए जो भी दिया गया है, तो मेरे द्वारा कहीं भी दोबारा नहीं भरा गया है, मैं पहली बार भर रहा हूँ, सब पढ़ लीजिए और टिक मार लीजिए। और जो आपका स्थान है वो भर लीजिए, कहाँ से भर रहे हैं, डेट तो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा, और ये जो कैप्चा कोड है यहाँ आपको डालना है सबसे लास्ट में, सब कुछ भरने के बाद। दोस्तों एक बार आप ऊपर से नीचे तक पूरा चेक कर लीजिए, सब कुछ सही है कि नहीं है, ताकि दिक्कत ना हो, और उसके बाद कैप्चा कोड होने के बाद इसको यहाँ पर सेंड कर दीजिए, और सेंड करने के बाद आपको 2-3 सेकंड में आपको आ जाएगा, ये देखिए देख रहे हैं, थैंक यू फॉर सबमिटिंग फॉर्म ऑफ NBSP, मेरा फॉर्म सबमिट हो गया है, और जो मेरा रेफरेंस आईडी है वो मुझे मिल गया है। तो इस तरह से आप आसानी से घर बैठे आप ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं, बिना कहीं जाए, बिना बूथ जाए, बिना किसी के पास जाए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यू कैन ट्रैक स्टेटस, आप यहाँ से ट्रैक भी कर सकते हैं इस आईडी के द्वारा। चलिए हम आपको ट्रैक करके भी दिखाते हैं, चलिए इसको मैंने कॉपी कर लिया, और ट्रैक आईडी पे आके देखिए यहाँ पर डालना है आपको बॉक्स में, और डालने के बाद ट्रैक उसे भी क्लिक करना, देखिए यहाँ मेरा सारा कुछ दिखा रहा है कि मेरा फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है, किस डेट में हो चुका है, इस डेट में, उसके बाद जो है BLO के पास जाएगा, उसके बाद फील्ड वेरीफाइड होगा, ये मेरे घर पे आएगा, उसके बाद एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो भी करना वो करेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टेट, एसी टाइप और फॉर्म टाइप क्या है, सब कुछ। इस तरह से आप आसानी से घर बैठे इस ऑनलाइन पोर्टल पर वोटर आईडी कार्ड को बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो ये वीडियो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, यदि फिर भी कोई दिक्कत हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी, रिश्तेदार भी आसानी से वोटर आईडी कार्ड को घर बैठे बना सके। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।